नमस्कार दोस्तों, अनुपिष्ट जोन में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी और पॉलिटी के संबंध में पढ़ रहे हैं जो है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में देखा, तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 1773 से लेके और 1853 तक के जितने भी विभिन्न एक्ट आए वहाँ से ब्रिटिश संसद के द्वारा, उन सबको हम लोगों ने देखा कि कैसे वहाँ से 1773 से गवर्नर का पद बदल के गवर्नर जनरल कर दिया जाता है, और कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना होती है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद के द्वारा ये जो कंपनी शासित भारत था, इस शासन को कहीं ना कहीं केंद्रीकृत की ओर ले जा रहे थे। लेकिन इसी विकास के क्रम में धीरे धीरे चलता रहा, और फिर उसके बाद हुआ गया क्या, 1857 का विद्रोह कह लीजिए या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह लीजिए या 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति के बाद जो भारत का शासन कंपनी के द्वारा होता था वो अब समाप्त कर दिया गया, और जो भारत का शासन वो सीधे चला गया क्या, ब्रिटिश क्राउन के पास में। और जब ब्रिटिश क्राउन के पास में चला गया तो 1858 में आया भारत शासन अधिनियम, वहाँ की महारानी के द्वारा भेजा गया घोषणा पत्र, जिसे सर्वप्रथम 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क से उसको पढ़ा था, और जिसे यानी कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसे भारत के जो शिक्षित लोग थे उन्होंने अपने अधिकारों का उसे मैग्ना कार्टा कहा। आइए देखते हैं उस अधिनियम में क्या था। तो उसने अधिनियम की पहली बात यह थी कि जो कंपनी का शासन था वो समाप्त कर दिया गया था, और जो भारत का शासन था वो सीधे चला गया क्राउन के पास में। तो वो पहली बात तो यही थी। दूसरी जो है वो है गवर्नर जनरल का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया, और गवर्नर जनरल की जगह पे क्या हो गया, अब वायसराय। और इस तरह प्रथम वायसराय बनने वाले कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अगला पॉइंट यह है कि 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैत शासन जो प्रणाली थी, द्वैत शासन प्रणाली, इसे समाप्त कर दिया गया। कैसे, आप लोगों ने पिछले वाली वीडियो में देखा होगा कि कैसे कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। अब जब कंपनी का शासन ही नहीं रहा भारत के ऊपर, तो इन दोनों का कोई मतलब होता नहीं है, और इन दोनों का क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और इनके स्थान पर एक नया पद सृजित हुआ जो भारत सचिव। भारत सचिव का पद, भारत सचिव कौन होता था, ये जो भारत सचिव होता था ये ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। कौन, ये भारत सचिव। और भारत सचिव की सहायता के लिए एक पंद्रह सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। जिस कैसे इसका गठन किया गया, तो इसमें से जो 8 सदस्य होते थे, 8 सदस्य का इनका चुनाव जो होता था वो महारानी के द्वारा होता था, और ये जो 7 थे इनका चुनाव जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे वो करते थे, ये महारानी। तो यानी कि इन दोनों के स्थान पर कौन सा पद हुआ, भारत सचिव, और भारत सचिव के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन। उसके बाद जो बात आती है कि अब इन लोगों को वेतन कहाँ से दिया जाएगा, तो इन लोगों के जब वेतन की बात आई तो इन लोगों कहा गया कि इन लोगों का जो वेतन है ये भारत के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इनका वेतन भारत के राजकोष से ही दिया जाएगा। ठीक, तो ये निश्चित हो गया कि इनका वेतन क्या है, भारत के राजकोष से दिया जाएगा, और जो इनका वेतन दिया जाता था उसे इनाम दिया गया होम जजेज। तो भारत शासन अधिनियम 1858 आपने देखा, जिसमें पहला पॉइंट ये था कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था, और जो शासन था सीधे कहाँ चला गया, क्राउन के पास।
दूसरा पॉइंट जो आपने देखा कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके और उसके जगह पर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। तीसरा पॉइंट आप लोगों ने देखा है कि द्वैत प्रणाली समाप्त का मतलब यह है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स थे, उनको ख़त्म कर दिया गया और उनके जगह पर भारत सचिव का पद लाया गया और सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय टीम का गठन हुआ जिनको वेतन भारत के राजकोष से दिया जाता था, जिसे होम चार्जेज नाम दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में जो पहली बात है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण। यहाँ आप लोग देखे होंगे कि यहाँ इसके पहले तक, यानी कि जब हम लोग 1773 से लेकर 1853 तक का जब एक्ट देखे हम लोग, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था कि कहीं ना कहीं केंद्रीकरण की ओर जा रहा था। लेकिन जब कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत शासन अधिनियम जब आया भारत में 1858, तो वहाँ से हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ये विकेंद्रीकरण की ओर जा रहा होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि शक्ति का बंटवारा, जैसे मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को इसके पहले क्या रेगुलेटिंग एक्ट जब आए थे तो उसमें क्या क्या थे, इन लोगों को जो अधिकार था विधि बनाने का और उसे संशोधित करने का, वो अधिकार समाप्त कर दिया गया था। यानी कि तब वो केंद्रीकरण की तरफ जा रहा था। और यहाँ क्या हुआ कि जब बंटवारे की बात आई तो इनको भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया और कानून में संशोधन करने का अधिकार भी दे दिया गया। दूसरी बात ये थी कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही भारत में क्या हुआ, विधान सभा की स्थापना हुई। यानी कि ये पूछ सकता है जो आप प्रांतों में देखते होंगे विधानसभा विधान परिषद, तो वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम का ही परिणाम है, या सर्वप्रथम 1861 में यह विधानसभा की स्थापना हुई। ठीक, अगला जो देखेंगे वो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी यहां से मिल गया। यानी कि अगर ये विधानसभा की अगर बैठक न होती थी उस टाइम पे, जो वायसराय था वो क्या करता था, अध्यादेश जारी करता था और यह प्रभावी होता था कितने, 6 माह तक, यानी कि 6 माह तक यह प्रभावी हो सकता था। इसके बाद देखेंगे जो है वह हुआ है वायसराय की परिषद में एक अतिरिक्त विधि सदस्य जोड़ा गया। तो एक अतिरिक्त विधि सदस्य का मतलब यह है कि आप लोगों ने देखा कि कैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो संख्या वहां पे 4 थी कार्यकारी परिषद की, संख्या 4 होने के बाद फिर क्या किया गया 1764 में उसे घटा के फिर 3 कर दिया गया। और जाते जाते जब हम लोगों ने 1853 में देखा तो 1853 में क्या किया गया कि जो लॉर्ड मैकाले चौथे जोड़े गए थे उनको क्या किया गया, पूर्ण दर्जा दे दिया गया था। तो 4 तो पहले थे और एक वायसराय, यानी कि 4 जो पहले थे और उसके बाद एक वायसराय, 5, और फिर इसके बाद एक और जोड़ा गया सदस्य। उस सदस्य की कुछ शर्तें होती थी कि वो विधि वेत्ता ही होना चाहिए, यानी कि जो छठा जुटा इसमें, यानी कि कार्यकारी परिषद में कह सकते हैं तो ये 5वां जुटा और ये कौन होता था, विधि वेत्ता होता था। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कार्यकारी परिषद की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार। जो वायसराय होता था उसे अपनी कार्यकारी परिषद में परिषद की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार दिया गया कि कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों को वो मनोनीत कर सकता था, जिसमें से आधे कैसे होंगे, गैर सरकारी होंगे। अगला पॉइंट है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसे हम लोग विभागीय प्रणाली कहते हैं, कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई। तो विभागीय जो प्रणाली थी यानी पोर्टफोलियो सिस्टम, उसकी शुरुआत 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा हुई थी और ये कैनिंग के द्वारा शुरुआत की गई थी। अगला पॉइंट इसमें है
कि विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती थी। यहाँ हमने बताया कि कार्यकारी परिषद की संख्या में वृद्धि करने का उसे अधिकार तो दे दिया गया, तो अधिकार दिया था, लेकिन उसमें जो होते थे, जितने भी वो करता था सेलेक्ट, उसमें से आधे जो होते थे वो गैर सरकारी होते थे। गैर सरकारी होने का ये मतलब था कि उसमें से ज़्यादातर भारतीय ही होते थे, और भारतीय तो क्या हुआ उसमें कि विधान परिषद में चुन तो लिए गए थे, लेकिन उनको न तो मत देने का अधिकार था, न तो वार्षिक बजट पे बहस करने का अधिकार था, सिर्फ विधि बनाने का अधिकार था। वो विधि बना सकते थे, लेकिन वायसराय उस विधि को मानने के लिए बाध्य नहीं था, और वायसराय के पास वीटो था, वह उसे नकार भी सकता था। ठीक, तो ये था 1861 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम लोगों ने देखा। पहला था शक्ति का विकेंद्रीकरण, विधानसभा की स्थापना, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कार्यकारी परिषद की संख्या में वृद्धि करके कम से कम 6 और अधिकतम 12, जिसमें से आधे जो होते थे वो गैर सरकारी होते थे, और इस जो गैर सरकारी होते थे उन लोगों को मत देने का, न तो बहस करने का अधिकार नहीं था, वो सिर्फ कानून बनाते थे, और जो कानून बनाते थे उसे वायसराय मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि उस समय वायसराय के पास वीटो था, वो मना भी कर सकता था। देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। आइए देखते हैं, इसका पहला पॉइंट है कि इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इसके पहले आपने देखा कि जो सदस्य संख्या निर्वाचित करनी थी वो कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 थी, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12। लेकिन 1892 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ये जो संख्या थी अब कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 कर दी गई, जिसमें कहा गया कि जिसमें से 10 जो होंगे वो गैर सरकारी होंगे, और इनका जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। अगली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा शुरू की गई। तो यहां से प्रश्न आते हैं कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत पहली बार कब की गई थी, तो पहली बार की गई 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। इसका एक और पॉइंट, जहां आपने देखा कि ये जो विधान परिषद के सदस्यों को जो न तो प्रश्न करने का अधिकार था, न तो वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार था, न तो वोट देने का अधिकार था, इनको कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कि प्रश्न पूछने का, और वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। किसके तहत? 1892 भारत परिषद अधिनियम के तहत, लेकिन वोट देने का अधिकार अभी नहीं दिया गया था। तो तीन बातें थी इसकी, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जो पहले 6 कम से कम 6 थी, अधिक से अधिक 12 थी, उनको कर दिया गया कम से कम 6, अधिक से अधिक 16, जिसमें से 10 जो होते थे वो गैर सरकारी होने अनिवार्य थे, जिनका पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर निर्वाचन किया गया था। और निर्वाचन पद्धति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। उसके बाद देखते हैं 1909 भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले जो थे वो उस समय भारत सचिव थे इंग्लैंड में, भारत सचिव, और जो मिंटो थे वो थे वायसराय भारत में। क्या थी इसकी प्रमुख बातें देखते हैं। पहला है कि विधानमंडल के आकार में वृद्धि कर दी गई। कितना? कि विधानमंडल में जो संख्या 16 थी अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 60 कर दिया गया। दूसरी प्रमुख बात यह कि यहां तो जो मिले थे वो वार्षिक बजट पर प्रश्न करने और बहस करने का अधिकार मिले थे, लेकिन 1909 के भारत परिषद अधिनियम में सार्वजनिक विषयों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। अगला है पृथक निर्वाचन के आधार पर
मुस्लिमों को आरक्षित सीट या प्रथम पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर यहाँ से मुस्लिमों को अलग कर दिया गया, इनकी सीटों को अलग कर दिया गया और ये प्रावधान किया गया कि सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को जो है वो मुस्लिम ही वोट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का जन्म हुआ, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के जनक कौन है, तो लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हम सर्प के दांत बो रहे हैं जो भविष्य में चल के काफ़ी कष्टदायक होने वाला है, ठीक। तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम की दो तीन प्रमुख बातें, विधानमंडल के आकार में वृद्धि करी गई, संख्या जो थी वो 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई और सार्वजनिक विषयों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार यहाँ से दे दिया गया और पहली बार पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट दिया गया और सांप्रदायिक के जो जनक हैं लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। अगला देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू वही जो उस समय थे वो भारत सचिव के पद पर इंग्लैंड में थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो वायसराय थे। प्रमुख बातें देखते हैं इसकी कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट और केंद्रीय विधानसभा जिसे काउंसिल ऑफ असेंबली कहते हैं, जैसे आप लोग आज संसद में देखते हैं ये राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन, तो यह वही है। राज्य परिषद मतलब राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट और ये जो केंद्रीय विधानसभा था ये था लोकसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट में टोटल कितने सदस्य थे, 60 सदस्य और केंद्रीय विधानसभा यानी काउंसिल ऑफ असेंबली में टोटल 144 सदस्य। ये राज्य परिषद में जो ये 60 सदस्य थे इसमें से 34 जो थे वो निर्वाचित होते थे। क्या होते थे, निर्वाचित, यानी 60 में से 34 निर्वाचित होते थे और जो 26 थे वो मनोनीत होते थे। अब केंद्रीय विधानसभा की बात करें तो केंद्रीय विधानसभा में टोटल थे 144, जिसमें से कि 104 निर्वाचित होते थे और जो 40 बचे वो मनोनीत होके आते थे। अगला सबसे इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक, पूछ सकता है कि प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया, तो वो था 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जानते हैं। आइए देखिए कैसे। तो दो विषय थे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पर जब गवर्नर जनरल जब कानून बनाता था तो वो अपनी कार्यकारी परिषद की सहायता से कानून बनाता था। कार्यकारी परिषद की सहायता से, कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य, 5 प्लस वो एक गवर्नर जनरल, यानी जब वो अपनी कार्यकारी परिषद के साथ कानून बनाता था जिसमें आरक्षित विषय में कौन रखे गए थे, राजस्व था, न्याय था, वित्त और पुलिस, तो जब यह कार्यकारी परिषद के द्वारा कानून बनाता था इस पे, मेन रूप से जो वो मुख्य मुख्य विभाग था वो आरक्षित विषय के अंतर्गत रखा गया था, तो वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। दूसरी हस्तांतरित विषय, जब हस्तांतरित विषय पर जब कानून बनता था तो क्या होता था इसमें कि जो हमारे प्रांतीय विधानसभा के जो गैर सरकारी सदस्य होते थे उनको लेके वह कानून बनाता था, किस पे, हस्तांतरित विषय पे। जैसे हस्तांतरित विषय में क्या था, स्वशासन था, शिक्षा था, कृषि थी, और यह प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को लेकर जब कानून बनाता था तो यह किसके प्रति, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। देखेंगे इसमें तो कहीं ना कहीं भारतीयों के साथ यहाँ से भी भेदभाव होता आ रहा है। कब,
क्योंकि जब वो अपने कार्यकारी परिषद के साथ बना रहा है मुख्य विषय पे, तो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं। और वही जब भारतीय परिषद के सदस्यों के साथ, गैर सरकारी सदस्यों के साथ बना रहा है, तो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हो रहा है। अगला देखते हैं। अगला है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के साथ। अगर प्रथम पूछ रहा है कि निर्वाचन पद्धत की शुरुआत कब हुई थी, निर्वाचन पद्धत की शुरुआत जो हुई थी वो 1892 के भारत परिषद अधिनियम से हो गई थी, ठीक, लेकिन वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। अगर आपसे पूछे कभी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कब अपनाई गई, तो प्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली थी वो थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के प्रमुख एक और बात थी कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, यानी कि 1919 में ही लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, और जाके 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। अगला देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता देखते हैं। पहला जो इसका है, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो गया था। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त का मतलब कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लगाया गया था? प्रांतों में जो द्वैत शासन लगाया गया था वो 1919 के भारत शासन अधिनियम में लगाया था। केंद्र में जो थी वो द्विसदनी व्यवस्था की गई थी, केंद्र में द्वैत नहीं था। 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया था, लेकिन जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया तो इसमें क्या किया गया कि प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसे समाप्त कर दिया गया, और वह द्वैत शासन कहाँ पे लग गया? केंद्र में लग गया, केंद्र में द्वैत शासन, जिनमें से संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, संघ में 59, राज्य में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया, संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट। और यह जाके 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में हुई, नई दिल्ली में। इसके 6 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश थे, सर मॉरिस गोयर। संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गोयर, और 6 इसके अन्य न्यायाधीश थे। इसके क्रम में अगला जो है वो है रिजर्व बैंक की स्थापना, यानी कि मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं। अभी तो पढ़ रहे थे हम लोग भारत का संवैधानिक विकास, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा भारतीय संविधान सभा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी पूछना चाहते हो या जो आपको न समझ में आए कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सके अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।